हेलो एवरीवन दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेस्टबुक सुपर कोचिंग एंड दीस आर दी टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब एंड टेस्टबुक ऐप टर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप भी टेस्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं यूजीसी नेट सेट जारफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब साथ ही साथ लर्नर्स फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं लर्नर्स दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं हर शिफ्ट में आते हैं तो अगर हम बात करें हायर एडुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो एक टॉपिक कॉमन है जिसे हमें पढ़ना होता है इन दोनों यूनिट्स में और वो है ऑनलाइन टीचिंग यानी कि स्वयं स्वयं प्लस स्वयं प्रभा और मुख तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मुख क्या है स्वयं के जो नए इन्फॉर्मेशन एडिशन हुए हैं उसके बारे में और एक नया अध्याय जुड़ा है दैट इज स्वयं प्लस तो स्वयं प्लस का कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में दी जाएगी एंड ये न केवल आपको जानना चाहिए बट इसे आपको ट्राई भी करना चाहिए बिकॉज इट इज मेंट फॉर पीपल लाइक यू तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो भूलने लग जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सारे कॉन्सेप्ट हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे तो so, उसी क्रम में हम आज प्रैक्टिस करेंगे स्वयं स्वयं प्लस एंड मूव तो जब भी आप स्वयं का स्क्रीन ओपन करते हैं यानी उसे सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आप साइन इन कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने आप पहली फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है और अदरवाइज आप अपना ईमेल आई से साइन इन कर सकते हैं और कोर्स कैटलॉग से सर्च कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से रिलेटेड कोर्स तो ये तो हमारा स्वयं था जो ऑपरेट करता था अब ऐड हुआ है यहाँ पे स्वयं प्लस यानी कुछ एडिशनल है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं भाषा स्वयं प्लस जो है अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है ये उसका बहुत बड़ा ही फीचर है दूसरी बात ये डाइवर्स डिसिप्लिन को केटर करता है यानी ये सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्निकल टीम्स तक टेक्निकल फील्ड्स तक लिमिटेड नहीं है सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज और भी बहुत सारी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड और डिसिप्लिन के लिए भी कोर्सेज है तो ये बात करता है अबाउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और इस प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं सो लीडिंग कोर्स प्रोवाइडर्स आर देयर तो यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान है आपने स्वयं में लॉग इन करना है या स्वयं को सर्च करना है अपने ब्राउजर में और दो तीन स्क्रीन को आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वयं प्लस आ जाएगा कुछ इस तरह का और यहाँ पे है गो टू स्वयं प्लस तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस पेज पे आपकी लैंडिंग हो जाएगी जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे बिफोर वी प्रोसीड जैसा कि आप देख सकते हैं ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्वयं प्लस में लैंग्वेज uh, को लेके बहुत फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है दैट मीन्स कोर्स जो कि पहले स्वयं के केस में बहुत बड़ी लिमिटेशन हुआ करती थी पर अवेलेबल प्राइमरिली इन इंग्लिश अब ये ऐसा नहीं है नॉट ओनली uh, ये दूसरी भाषाओं में बट ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है स्वयं प्लस के लर्नर्स के लिए तो पहले समझते हैं अबाउट बिफोर वी मूव टू स्वयं स्वयं प्लस ये समझते हैं कि मूक क्या है तो मूक क्या है मूक <coughs> स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है ये ऐसे लर्नर्स हैं जो कि वीडियो के माध्यम से वीडियो में रिकॉर्डेड किए गए लेक्चर के, के माध्यम से नोट्स जिनको वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो साथी हैं जिनके साथ वो कोई कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं सो so, मूक एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप कोर्स में इनरोल uh, होके कंट्रीब्यूट करते हुए आपकी लर्निंग हो जाती है अब ऐसा नहीं कि मूक्स आर ओनली लिमिटेड टिल इंडिया सिर्फ इंडिया में पाए जाते नहीं MOOC का बाहर भी बहुत ज्यादा है और अब इंडिया में भी काफी हद तक इसको एक्सेप्टेंस मिल गई है तो ये जो टर्म है मूक इसे सबसे पहली बार कैनेडियन अकेडमिशन डेव कॉर्नियर ने दिया था अभी के समय कितने कोर्सेज चल रहे हैं और टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं तो अगर हम बात करें स्वयं अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की तो टोटल करीब 13,150 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है और प्रेजेंटली 1310 से ज्यादा कोर्सेज लाइव जा रहे हैं चूंकि इनके अपने टाइम स्केड्यूल्स होते हैं कि कब वो वापस से स्टार्ट होंगे उनका अपना साइकिल्स होता है तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कोर्सेज लाइव हो रहे होते हैं तो अभी ऑन गोइंग कोर्सेज जो है करीब थर्टीन है अब देखते हैं एक बार रिवाइज करते हैं कि स्वयं क्या है तो स्वयं कि किस तरह से हम लिखते हैं स्वयं इस तरह का संस्कृत का एक शब्द है जिसको हम एक एकम यानी शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं और इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यानी ये एक वेब है वेब सेटअप में है स्टडी करने के लिए है और इसमें आपको एक एक्टिव लर्निंग मिलती है और ये किन के लिए है ये यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए है और ये एक हमारा इंडियन मूक है तो ये एक इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है प्लीज आपको तो याद रखिएगा ये जो है ये आपका एक प्लेटफॉर्म वाला एक्सपीरियंस देता है अलग अलग तरह के मूक्स चलते हैं अलग अलग कोर्सेज चलते जिनको कहते हैं जिनको कहते स्वयं जो है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है अब यहाँ हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होती है क्यों क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं उनको बनाने में काफी सारे मल्टी का प्रयोग किया जाता है क्या आप इस कंटेंट को एक समय पर देख सकते हैं नहीं इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है समय की और जगह की यानी कि जो सबसे बड़ा लिमिटेशन हो जाता है हायर एजुकेशन वो हायर एजुकेशन में वो हो जाता है समय और जगह का स्थान का जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम दिन में बैठ के कोर्स करें तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लर्निंग कंटिन्यू करना चाहते हैं ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म हाइब्रिड मोड की बात करता है हाइब्रिड कहने का मतलब है कि आप जो कोर्सेज देखते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं और आप जो कंटेंट है यानी जो नोट्स है वो आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हाइब्रिड मॉडल पे ये काम होता है और जिसकी वजह से आप जो क्वालिटी यहाँ देखते हैं जो ऑडियो विजुअल जो यूज किया जाता है जो तो मल्टीमीडिया और जो पढ़ाने का तरीका जिसको हम हाई एंड पेडागोजी कहते हैं और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये वीडियोस जो हैं ये जो कोर्स में जो यूज़ होने वाले वीडियोस हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव बन सके आपकी यूटिलिटी के हिसाब से हो और अपडेटेड हो स्वयं एक प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था अब इसके पीछे गवर्नमेंट की जो मेन पॉलिसी थी वो ये थी कि हमें डिजिटल डिवाइड को कम करना है तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि एक हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सभी सुविधाएं मिल रही हैं वो अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं मल्टीमीडिया से पढ़ाई कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डे टू डे लर्निंग में वहीं एक ऐसा सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अब मोबाइल का और इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इस डिजिटल ब्रिज को इस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए स्वयं का इस्तेमाल किया गया है और गवर्नमेंट की इसके पीछे थॉट यही है कि जो हमारी तीन कार्डिनल प्रिंसिपल हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी की हमारी शिक्षा नीति की और ये शिक्षा नीति कहने का मतलब नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी स्पेसिफिक पॉलिसी से नहीं है जो हमारी आइडियोलॉजी है एजुकेशन पॉलिसी को लेके उसके पीछे हमारा जो लॉजिक है वो है एक्सेस का एक्विटी का और क्वालिटी का तो इन तीनों की भरपाई इन तीनों की पूर्ति के लिए स्वयं काम करता है ठीक है तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में तो एक्सेस यानी कि आपको हर अच्छी कंटेंट का हर अच्छे इंफॉर्मेशन का हर अच्छे टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिले आप उसे यूज कर सकें एक्विटी का मतलब होता है जिस तरह की आप शिक्षा लेना चाहे उस तरह की मिले और क्वालिटी वाली शिक्षा मिले चाहे आप कहीं पे भी अवेलेबल हो चाहे आपके पास सीमित सुविधाएं क्यों ना हो मगर आपको स्टडीज में पढ़ाई में किसी तरह की क्वालिटी का में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो अब बात करते हैं मूक की मूक जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है ओपन ऑनलाइन कोर्स ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और स्वयं एक प्लेटफॉर्म है इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं जो इस तरह के मूक्स को एग्जीक्यूट कराते हैं इसमें से कुछ नाम आपको आपने सुने होंगे कुछ को आप एक रीड जरूर दे दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये भी मूक्स हैं तो कॉर्सेरा और edx सबसे फेमस है और इनके पास बहुत लार्ज नंबर में बच्चे जो है वो इनरोल होते हैं इसके अलावा है ओपन टू स्टडी इनका कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा होता है उडासिटी ये तो मैंने पर्सनली और फ्यूचर लर्न ये तीनों तो मैंने भी पर्सनली एक्सेस किया है कैनवस नेटवर्क डाइवर्सिटी एंड नोवो एंड इनका भी नाम बेस्ट मुक्स में काउंट किया जाता है अब ये हमें क्या प्रोवाइड करके देते हैं और कहाँ से कहाँ तक अगर हम स्वयं की बात करें तो एक ये वन स्टॉप वेब लोकेशन है तो एक बार आप अगर स्वयं पे पहुंच गए तो वहां पे आपको मिलता है इंटरक्टिव ई कंटेंट यानी कि आप इसमें क्विजेस होते हैं पजल्स होते हैं इसमें आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आपको मार्क्स देगा तो एक्टिव ई कॉन्टेंट रहता है और इसमें जितने भी कोर्सेज हैं वो किस क्लास से अवेलेबल है क्लास नाइन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक अवेलेबल है बेसिकली हम पीजी लेवल कहते हैं बट इसको प्रिसाइजली अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल कह देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें रिसर्च रिलेटेड भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है स्कूल में ये नाइन्थ ग्रेड से इस से शुरू कर दिया जाता है क्योंकि इस स्टेज पे जो बच्चे हैं वो अपने करियर की तरफ उनका झुकाव होता है वो चयन करना चाहते हैं कि वो किस तरफ जाए तो यहाँ पे उनको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा गाइडेंस की तो क्लास नाइन से लेकर उनके पास कंटेंट अवेलेबल रहता है अब यहाँ पे जो पूरा सेटअप बनाया गया है वो तो एक्सेस बहुत आसान बना देता है आप अपने ईमेल आईडी से उसको एक्सेस कर सकते हैं जब समय मिले आप अपने कोर्सेज को कर सकते हैं और साथ ही साथ कोर्स को मॉनिटर करते हुए जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है ये प्लेटफॉर्म जो है ये मदद करता है आपको अपने जो तो आपके कर, आ, टीम मेंबर्स इस बात इस पॉइंट में ये बात नोट कीजिएगा कि इसमें फैकल्टी जो है वो आपके डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि पियर से रिलेटेड हम हेल्प लेते हैं यानी कि हमारे जो साथ से, जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मगर यहाँ फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फैकल्टी अपना कॉन्टेंट को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं ठीक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो रहता है कि स्वयं के कौन से चार क्वाड्रेंट हैं इन सभी क्वाड्रेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करके भी पूछा जाता है कई बार घुमा के भी पूछा जाता है तो आपको ये चारों क्वाड्रेंट्स अच्छे से याद रखना तो स्वयं जो है वो चार तरीकों से क्वाड्रेंट्स कहने का मतलब है चार तरीकों से ऑपरेट करता है एक तो हो गया उनका ई e ट्यूटोरियल यानी जो उनका वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको ट्यूटोरियल क्लासेस मिलती है दूसरा हो गया आपका ई e कॉन्टेंट यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपको कॉन्टेंट मिलता है जो कि नोट्स पीडीएफ फॉर्म में होते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते तीसरा होता है डिस्कशन फोरम जिसमें आप पियर के साथ फैकल्टी के साथ नहीं पियर के साथ डिस्कशन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते और चौथा होता है असेसमेंट। असेसमेंट दो तरह के होते हैं। एक ऐसे असेसमेंट होते हैं जो आप पढ़ते पढ़ते करते रहते हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल्स खत्म होने के बाद के फॉर्म में और एक असेसमेंट होता है जो आपका पूरा खत्म होने के बाद आपको अपना प्रॉक्टर्ड एग्जाम के फॉर्म में देना होता है स्वयं की टैगलाइन क्या है शिक्षित भारत उन्नत भारत अब हमारे दस हो गए हैं नेशनल कोआर्डिनेटर्स आई बिलीव बाकी नाइन तो आप लोग को याद है कई बार हमने प्रैक्टिस किया एक बार क्विक रीड कर लेंगे ए आई सी टी एन पी टी एल सी जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करता है एन पी टी एल जो है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए करता है एन सी आर टी जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए ई सी जो है यू जी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए एन आई ओ एस ओपन आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन के लिए इग्नू अगेन आउट ऑफ स्कूल हायर एजुकेशन के लिए आई ए एम बी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का ये बैंगलोर का इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कोर्सेज को डायरेक्शन देता है एन आई ट्रिपल टी आर जो है वो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड रिलेट प्रोग्राम्स को इनहेंस करता है एंड दसवा है हमारा आई एन आई जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का एक नया कोआर्डिनेटर जो है एड हुआ है अब ये कोऑर्डिनेटर कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे बट बिफोर दैट लर्नर्स हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 इज गोइंग लाइव विद पेपर वन एंड पेपर टू तो यहाँ आपको मिलती है बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी सिलेबस को कवर करते हुए पीवाई को सॉल्व करते हुए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए और साथ साथ एच से रिलेटेड गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है तो चलिए समझते हैं आई में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है तो आई यानी कि वैसे इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि इंडिया की प्राइड है तो इंडिया के प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोडिनेटर के साथ जुड़े हुए हैं तो इसे इस्ट किया गया है किया गया है बाई स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट तो ये जो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है ऐसे 167 इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री में प्रोफेशनल्स को स्किल करने में और भी बहुत सारी फील्ड तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है आईएनआई का तो ये है कि हम इस तरह के प्रोफेशनल्स को और इनहस करें हम और लोगों को इस, इस लेवल पे लेके आए उन्हें डेवलप करें आई का जो फोकस है वो एक टैलेंट पूल बनाने का है तो इस टैलेंट पूल में कौन होंगे वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे जो कि इंडिया के ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है आने वाले समय देन सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है ये बेंचमार्क बनाते हैं फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन तो अगर हमें एजुकेशन में इम्प्रूव करना है आगे के लिए गाइड करना है लोगों को इंस्पायर करना है क्वालिटी को इन्हांस करना है तो इसमें भी आई एन आई इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कोई भी चीज़ की ग्रोथ बिना रिसर्च और इनोवेशन के नहीं पॉसिबल है तो आई एन आई पोस्टर करता है क्रिएट करता है एक ऐसा कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन जहाँ पे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करके हर फील्ड में एडवांसमेंट की बात कही एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है दैट मीन्स यहाँ हम अलग अलग रीजन्स के लोगों को इन्वाइट करते हैं और सबको साथ लेकर हम सेम दिशा में चलने की बात करते हैं तो बेसिकली इट ऑल्सो एम्स टूवर्ड्स नेशनल यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है इनके जो कोर्सेज होंगे वो वाइडर डोमेन्स और डिसप्लेंस को कवर करेंगे तो ये अभी इनके कोर्सेज आर अबाउट टू कम इन टू पिक्चर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वयं प्लस तो जैसे मैंने आपको कहा था कि स्वयं चलिए हमारा क्लास नाइन से लेकर क्लास यूनिवर्सिटी लेवल तक है बट उसके बाद क्या क्या उसके बाद हमें किसी तरह की एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल ज़रूरत होती है. और उसको केटर करेगा स्वयं प्लस तो ये देखा गया कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जब हम किसी जॉब में आ जाते हैं फिशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो आज के हिसाब से हमें वहाँ पे भी अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और उसको हम रैंडम जगह से अगर अपग्रेड करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं पैसे बहुत लगते हैं हमें नहीं पता है कि वहाँ का सर्टिफिकेट कितना वैलिड है और उस सर्टिफिकेट को हमारी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है क्या वो उसे ऑनर करेगी तो इन सभी चीजों को आंसर करने के लिए आया है स्वयं प्लस जो आपको देता है एक्सेस जो आपको करता है एम्पावर और साथ साथ आपको सर्टिफाई करता है अब ये सर्टिफाई कौन करता है ये उसी फील्ड के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कोर्स बनाए गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप सेम फील्ड में हैं और लीडर्स अगर आपको सर्टिफाई कर देते हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो इसका मानना है कि आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी एलिवेट कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं विद विदर्टिफिकेट अब ये जो कोर्सेज है ये भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाइंस पे ही बने हैं स्वयं के ही लॉजिक को इन्होंने आगे किया है तो यहाँ पे भी आप बिगनिंग में अगर आप स्वयं यूजर हैं तो आपको सिर्फ साइन इन करना होता है और आप बिल्कुल अगर नए हैं तो आपको करना होता है रजिस्टर रजिस्टर करने के बाद आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली आप इसे इसमें एनरोल हो सकते Now, ये कोर्सेज जो स्वयं प्लस पे अवेलेबल है क्या देते हैं ये क्रेडिट रिकोगशन जैसे मैंने आपको कहा जिस भी इंडस्ट्री में आप मैनेजमेंट में है टीचर एडुकेशन में है तो उनके एक्सपर्ट्स से कोर्सेज सेट आपको रिकोगनाइज है इक्विटी देते हैं इक्विटी में सबसे बड़ा इसमें जो रोल है वो है लैंग्वेज का मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये लोकल लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसका कोर्सेज अवेलेबल है इट इज नॉट फ्री स्वयं प्लस इज नॉट फ्री इस पे एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे कोर्सेज आर अवेलेबल अगेन इसमें स्वयं की फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट है इसमें स्वयं का एक्सेस एलिमेंट है दैट मीनस आप अच्छे ब्रांड्स का आपको एक्सेस मिलता है क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती और जैसा की कहा हमने ये प्रोफेशनल्स के लिए तो आपके एम्प्लॉयमेंट को ये इनहस करने में मदद करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिस्ट के द्वारा बनाया गया कोर्स तो टेस्ट किस पे काम करता है टीचर एजुकेशन पे काम करता है राइट तो और फिर हमारे टेक महिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे कोर्स है तो ये सारे जो आ, सेंटर्स हैं जो कोर्सेज बना रहे हैं इन कोर्सेज को हर इंस्टीट्यूशन हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज करता है तो अर्ली चाइल्ड हुड डेवलपमेंट पे आप इस तरह का कोर्स कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दस घंटे का है ये एक घंटे का है और लैंग्वेज अवेलेबल तो लैंग्वेज चूंकि मैंने अपनी सेलेक्ट की थी आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस का स्कोप है बहुत सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है डिलीवरी मोड इसका भी ऑनलाइन है और आपको ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आप वैसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको क्रेडिट मिले या नहीं मिले ये आपके डोमेन्स हैं अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर कोर्स करना चाहते हैं बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे करना चाहते हैं हेल्थ केयर इंजीनियरिंग मीडिया कम्युनिकेशन मतलब हर तरह की डिसिप्लिन इज बीन टेकन केयर ऑफ तो लर्नर्स आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी अबाउट मूक स्वयं एंड स्वयं प्लस जो आज हमने इनकॉर्पोरेट किया और एक अच्छी रिवीजन एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स पे एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन जरूर कीजिएगा व्हाट आर दी थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी तो कई बार ये वर्ड्स जब एक साथ लिखे होते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं बट अगेन जैसा मैंने पहले कहा था रिविजन बहुत जरूरी है सो डू रिवाइज एंड आंसर द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड सेशन फाइन्ड टू डेनर्स डोट फॉर शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिए ज्वाइन सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरी क्लासेस के टाइमिंग टेक नोट आई सी यू इन द नेक्स्ट